देश की प्रमुख कार मेकर कंपनी टाटा मोटर्स की हाल ही में लॉन्च हुई टियागो कार मार्केट में अच्छा बिजनेस कर रही है। इसके चलते कामयाबी के बाद टाटा एक और नई कार के साथ ग्राहकों से रूबरू होने जा रही है। टाटा मोटर्स भारत में अपनी पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन का लॉन्च करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि यह कार या तो इस साल अगस्त माह में या फिर फेस्टिवल सीजन तक लॉन्च हो जाएगी। बता दें कि टाटा यह सब कॉम्पैक्ट एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में लॉन्च करने वाला है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर इंजन दिया जाएगा, जबकि डीजल वेरिएंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ आएगा। यह इंजन 110 पीएस पावर के साथ 260 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया जा सकता है। यही नहीं, पेट्रोल वर्जन में टियागो वाला 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया जाएगा। कंपनी ये नई एसयूवी नेक्सॉन को X1 प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। फीचर्स के तौर पर इसमें नई ग्रिल, डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ स्टाइलिश प्रोजेक्टर हेडलैंप्स मिलेंगे। इसके साथ ही रियर में क्रोम एक्सेंट के साथ LED टेल लैंप्स कार की खूबसूरती को बढ़ाएगा। इंटीरियर की बात करें तो नई नेक्सॉन में कीलेस, पुश स्टार्ट बटन, रिवर्स पार्किंग कैमरा और 6.5 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। वहीं सेफ्टी फीचर्स के लिए कार में एंटी ब्रेकिंग लॉक सिस्टम, ABS और EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा दिया जाएगा। मार्केट में इस कार को मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, ह्युंडई क्रेटा, फोर्ड इको स्पोर्ट और महिंद्रा TUV 300 से कड़ी टक्कर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFI News, हमेशा सच के साथ।